जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृषण की संरचना के बारे में। यह वृषण की संरचना कैसी होती है और इसका भार कितना होता है, रंग कैसा होता है, इसके भाग कौन कौन से, उसके भाग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12 के लिए। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में काफी प्रश्न इस पाठ से आते हैं। इस पाठ का है नाम मानव जनन। आपको सारे वीडियो उपलब्ध करा देंगे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से सबसे पहले हम जानेंगे कि वृषण क्या है। तो वृषण मानव का मुख्य जननांग होता है। वृषण मानव का मुख्य जननांग होता है। देखिए, वृषण मानव का मुख्य जननांग होता है और जो इसका भार है वो जो है 5 ग्राम, 10 से 15 ग्राम होता है। वृषण का भार 10 से 15 ग्राम और इसका रंग जो है वो गुलाबी है। भार 10 से 15 ग्राम, रंग जो है गुलाबी एवं आकृति अंडाकार है और इसका जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। अब हम समझते हैं इसमें जो उपस्थित पार्ट हैं उसके बारे में। तो सबसे ऊपर जो पार्ट स्थित है उसको कहते हैं ट्यूनिका, वृषण खोल। वृषण खोल टेस्टिकुलर कैप्सूल, जो सबसे ऊपर पार्ट स्थित है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। अब उसके नीचे पार्ट आता है, उसके नीचे पार्ट आता है ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनेलियस। ट्यूनिका वैजिनेलियस क्या होता है? तो ट्यूनिका वैजिनेलियस जो है वो पूरे पर ना होकर वृषण की आधी दूरी पर ही रहता है। यह वृषण के चारों तरफ ना होकर आधी दूरी तक रहता है, इसी ही ट्यूनिका वैजिनेलियस कहते हैं। अब इसके नीचे वाला पार्ट क्या है? तो उसके नीचे जो है उसके नीचे होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखिए ये लिखा है यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया श्वेत तंतु के संयोजी ऊतक से मोटा ऊतक पूरे वृषण पर होता है। ये देख रहे हैं आप संरचना, इसमें जो ये मोटा वाला स्तर है इसी को ही हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसके बाद अगला प्रक्रम आता है। अगला प्रक्रम आता है जो ऊतक है इसमें धंस करके इसको कई पिंडकों में बांट देता है। ये जो ऊतक था अभी ये सेप्टुला वाला और क्या किया कि इसमें धंस गया। किसमें? इसमें धंस गया, ये जो लोब्यूल्स बने हैं और लोब्यूल्स बना दिया और 200 से 300 लोब्यूल्स में बांट देता है। और लोब्यूल्स की आकृति कैसी होती है? शंक्वाकार आकृति होती है। देखिए ये लोब्यूल्स हैं, ये जो ऊतक है वो इसमें धंस करके इसको काफ़ी भागों में विभाजित कर दिया है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है, इसका समझिए लोब्यूल्स का। तो लोब्यूल्स आप समझ ही गए कि जो सेप्टुला टेस्टिस से जो सेप्टुला टेस्टिस भागों को विभाजित करके बनाता है, जितने वो जो बनाता है उसे ही लोब्यूल्स कहते हैं। आप आगे समझिए, ये लोब्यूल्स के अंदर जो कुंडलित संरचना है, देख रहे हैं
ये जो लोब्यूल्स के अंदर कुंडली संरचना है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होता है कि इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, इसके आगे है ये जो खांचे खांचे करके है, इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये क्या करता है? तो इसका काम अभी तक वैसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वैसे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है इसको, इसका नाम है रेटी टेस्टिस। वैसे अंदाजा लगाया है कि ये शायद इसलिए पाया जाता है जिससे कि स्पर्म जब यहाँ से बन निकले तो उसका रास्ता ब्लॉक ना हो और वो उसी में घूमे। अब इसके बाद अगला नंबर आता है डक्ट्स यानी नलिका। तो ये नलिका है और ये एपिडिडाइमिस है। जब इससे बाहर निकलेगा तो जिस नलिका ऐसे तो निकल नहीं जाएगा सीधे नलिका में, तो एक नली जैसे पाइप के द्वारा एक नली से उस नलिका में जाएगा एपिडिडाइमिस की नलिका में। तो जिस नली से वो जाता है उसे बोलते हैं इफरेंट डक्ट। यहाँ पर जो नलियाँ बनी होती हैं उसे ही बोलते हैं इफरेंट डक्ट लेस डक्टलेस। इतना समझ गए। और इसके आगे जो और सब जो बना हुआ है इस संरचना को कहते हैं एपिडिडाइमिस। और यहाँ जो अंतिम संरचना होगी और वो एक लाइन की तरह सीधी होती चली जाएगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंसिल से बनाया गया है ए वाला, तो ये आधा आके एकदम सीधी हो जाती है और उसे बोलते हैं डक्ट या वास डिफरेंस। इतना आप समझ गए। हम अब आपको जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर की संरचना आपको दिखाएंगे। ये देखिए जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे हैं, सेमिनिफेरस ऐसे बना है उसके ट्यूब्यूल्स हो गया, इसी के अंदर संरचना बनी है ऐसे गोली गोली करके ऐसे। तो ये जो ऐसे ऐसे करके बना हुआ है इसको हम एक गोला सा है, अब इसका एक हम काट ले लेंगे और इसका काट कैसे रहेगा, गोला सा रहेगा। गोला सा लीजिए, अब हम इसके बारे में चलिए समझते हैं। ये देखिए अब गोला सा हम ले लिए, दिख रहा है आपको। अब इस गोले से मैं देखिए ये जो अंदर में है ये लास्ट वाली कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। और इसके जो यहाँ पर ये ब्लड विसल हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसको हम आपको बोर्ड पर समझा देते हैं। आप देख रहे हैं ये जो बिंदु रखा जाता है इसको बोलते हैं केंद्र। ये सब कोश क्या बन रही है, अब इसके आगे इसमें बनेंगे ए। ये क्या करते हैं आपने काफी दिन में इसको किताब से देखते रहिएगा तो बात ज्यादा समझ में आएगी। और इसके आगे एक कोश क्या होगी, ये देखिए अब इसके आगे भी एक कोश क्या जगह कम जैसे जैसे होता जाएगा कोशिकाओं की संख्या कम होती चली जाएगी। अब ये अंतिम वाली हो गई।
अब यहाँ सब आके इस पर इसका नाम है ओलंबर। देखिए हमारा चित्र बन गया है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं। तो यहाँ ये जो ऐसे ऐसे है डैश डैश करके, इसमें जो है यहाँ होगी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। अब ऐसा तो है नहीं कि यही एक कोश क्या होगी, तो इसके चारों तरफ कोश क्या होगी, तो एक उधर हो गई, एक ये हो गई, इस पर एक परत और है ना, ये दो है, इसलिए दो दो बन रहा है। अब सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन इसको जैसे जगह है नहीं तो हम इसको नहीं बनाएंगे ये वाले। अब इसके ऊपर एक नहीं, ऐसे यहाँ और यहाँ भी है, तो इसको जो है जोड़ के जो रखता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड भी तो होगा, बिन ब्लड के बनेगा नहीं ना। अब अगला नंबर आता है किसका, ए लेडिंग आर नर्स सेल, लेडिंग आर नर्स सेल, ठीक। इसका क्या नाम है, इंटरस्टीशियल सेल्स ऑफ, या सेल्स ऑफ इसका नाम है लेडिंग, सेल्स ऑफ लेडिंग आर नर्स सेल। इसका क्या काम होता है इसको भी हम समझ रहे हैं। इसके आगे देखिए हमारा चित्र बन चुका है, इसमें ये जो है अब इसको हम एक एक करके समझाते हैं। पहले हम सबसे पहले समझेंगे इसमें क्या होता है। तो जो हमने ये लास्ट में आरी आरी कोशिकाएं बनाई हैं अंत में, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या करती है कि इससे दो कोशिकाएं निकलती हैं, किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से दो कोशिकाएं निकलती हैं। कौन कौन, एक शुक्र जनन कोशिकाएं ना, और दूसरी क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी उसको सहारा प्रदान करने वाली कोशिकाएं। एक जो है वो शुक्र जनन का निर्माण करेगी, शुक्र जनन प्रक्रिया करेगी, और एक जो है उसको सहारा करेगी, सपोर्ट करेगी। अब आगे हम समझते हैं कि जो है इसमें और क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली संरचना, ये पहली आप समझ लीजिए जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से दो संरचनाएं निकलती हैं, एक शुक्रजनन कोशिका होती है स्पर्मेटोजेनस गोनियल सेल और स्पर्मेटोगोनियल सेल, और दूसरी क्या होती है सपोर्टिंग सेल, उसको एक सपोर्ट करने के लिए भी आवश्यकता होती है, तो एक सपोर्टिंग सेल हो गई। अब आगे है स्पर्मेटोजेन, अब आगे है सर्टोली सेल। क्या है, ए है सर्टोली सेल, ए जो बीच बीच में गोला बना हुआ है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। ये देखिए यहाँ पर बीच में गोला बना हुआ है, उसी को बोलेंगे सर्टोली सेल। ये क्या करती है, इस सर्टोरी सेल क्या करती है कि उसको सहारा प्रदान करती है। ये जो बीच में है एक आकारिक संख्या में ये बहुत कम होती है, ये हमारे जो विषण है उसमें कम संख्या में पाई जाती है, लेकिन ये जो इनका आकार होता है काफी बड़ा होता है, और यह गर्तों में होती है, और स्पर्मेटिड्स गर्त में जाकर स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्माइटेट्स क्या कहाँ है, तो आप इसमें जी
स्पर्मेटिड्स ए है, ये जो स्पर्मेटिड्स नीले वाले हैं ये सब क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ एक गड्ढा टाइप में होता है और जैसे उसमें अंदर जाएंगे ये सब स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या होंगे, स्पर्म बन जाएंगे, अब समझिए। और इसके अलावा ये क्या करती है सर्टोरी सेल, ये क्या करती है जो निरर्थक कोश का द्रव्य होता है उसको विघटन कर लेती है। कोश का द्रव्य होता है जो कि एक तरल पदार्थ होता है, तो उसका भी ये सर्टोरी सेल विघटन कर लेती है यानी उसको खत्म कर देती है जो निरर्थक बचा रहता है। और ये क्या करती है सर्टोरी सेल एक इनहिबिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है जो कि हार्मोन का स्रावण करती है। ये क्या करती है सर्टोरी सेल एक इनहिबिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है जो कि उसमें सहायता करते हैं शुक्राणु के उत्पादन के नियमन करते हैं। वो एक ऐसी इनहिबिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है जो कि शुक्राणु के नियमन पर कार्य करते हैं और उसका नियमन करते हैं। अब आगे समझती सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है समझिए। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है कि यह जो है स्पर्म की सतह से प्रारंभ होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको हमने बताया था यहाँ पर, ये जिसकी संरचना बनी है उसी को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये पूरी संरचना ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की है। और रेटी टेस्टिस के बारे में हमने आपको बता दिया, रेटी टेस्टिस क्या है, रेटी टेस्टिस ये जो जालक नुमा संरचना है इसी को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ये अपवाहक नलिका होती है और डक्ट एपिडाइमिस के और उसके आगे आ गया था एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है 6 मीटर लंबा होता है और यह 4 सेंटीमीटर जो है वो वृषण के ही पास में होता है। अब 4 सेंटीमीटर वृषण के पास और बाकी 6 मीटर ये लंबा होता है। आप इतना समझ गए। अब आगे हम आपको बताएंगे यहाँ पर एक सेल है लेडिंग आर नर्स सेल, ये क्या है। तो लेडिंग आर नर्स सेल क्या है, एक रुकिएगा, तो लेडिंग आर नर सेल वो सेल हैं जिनको हम अभी आपको तुरंत बताएंगे। एक स्किन सर्टोरी सेल हो गया, अब जैसे इतना चीज रहता है तो उसको दिखना पड़ता है। हाँ तो मिल गए। तो लेडिंग सेल क्या होता है, कि अंतःस्रावी कोश क्या है और यह मेल हार्मोन का निर्माण करती है। लेडिंग सेल क्या करती है कि एक अंतःस्रावी कोशिका को अंतःस्रावी हार्मोन का निर्माण करती है जो द्वितीयक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण यही करती है। इतना क्लियर हो गया। अगली बार हम आपको फिर बताएं जर्मिनल एपिथेलियम क्या है। जर्मिनल एपिथेलियम से दो कोशिका निकलती हैं, एक को बोलते हैं जो है एक शुक्र जनन के लिए कार्य करती है और एक उसको सहायता प्रदान करती है। अब शुक्र जनन में क्या होता है कि ये स्पर्माइटिड्स है जो है नीले वाले ये जब जो है इसमें जाके घुस जाते हैं और एक गर्त टाइप गर्त नुमा में होता है और जब उसमें घुसते हैं तो ये स्पर्म बन जाते हैं। और सर्टोरी सेल क्या होती है, सर्टोरी सेल इस संरचना में बनी हुई एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि उसको पोषण देना स्पर्म को। और सेकेंड कार्य क्या करता है ये कि जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य होता है निरर्थक उसको भक्षण कर देती है, मतलब उसको नष्ट कर देती है। और प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्माइटोसाइट्स क्या है, जैसे कोई अस्तर बनेगा तो उसकी एक अस्तर से बनते हुए है तो वही अस्तर को ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्माइटोसाइट्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल हो गया, सर्टोरी सेल हो गई, स्पर्माइटोजोवा हो गया। अब इसको हम आपको एक चित्र बता दे तो अंतिम लाइन बता देते हैं, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा हम फिर से आपको बता देंगे। कोई भी दिक्कत हो हिचकिचाइएगा मत। अब देखिए
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विभाजन होगा, विभाजन तो होगा ही, कोश क्या है, तो विभाजन के बाद एक बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक बनेगी सेकेंडरी, इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इसके बाद बनेगी स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्व शुक्राणु, अरे शुक्राणु आर कहिए अस्तर। शुक्राणु की बनने की ही अवस्था लेकिन पूर्व शुक्राणु, बस समझिए इसको। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में यानी कोश के विभाजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले प्राइमरी को स्पर्मेटोसाइट होगा, फिर सेकेंडरी होगा, उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनेंगे और वो जो गर्तों में घुसकर स्पर्म का निर्माण करते हैं। आपको शायद वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे घर पर दोहरा लेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। और इसका PDF हम आपको अवेलेबल अभी नहीं करा सकते, लेकिन जल्दी ही करा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।